अंपायर को तो आने दो। अरे भाई कोई मेहरबानी करके शांति रखो, सबको सुनाई देगा प्लीज। फिर सर आपको स्टार्ट करूंगा कि धर्मांतरण को लेकर धर्म के ऊपर कई पिक्चरें और बन रही हैं, टीके आई, ओ माय गॉड आई, अब ये एक नई पिक्चर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारी बन रही हैं, ओ माई गॉड और पीके मेरे ख्याल से 2 साल में 2 बनी हैं, तो इसको तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते आप। ट्रेंड एक चल रहा है कि बन रही है। अरे भाई 2 साल में 2 फिल्में बनी हैं, इसको आप ट्रेंड कहते हैं? इट्स नॉट अ ट्रेंड। और इन एनी केस धर्म पे फिल्म बनाने में तो हम लोग सब डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन खड़ा होकर बुरा मानने लगे कौन सी बात पे। अब हमने बहुत ख्याल रखा है कि कहीं भी किसी मजहब पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, किसी मजहब के ऊपर तंज नहीं होना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। हम लोग जो धर्म के जो व्यापारी हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं इस फिल्म में, और जो लोग मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर तंज है इस फिल्म में। और ओ माई गॉड का रोल डिफरेंट है, ओ माई गॉड का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात पहले समझ लीजिए, क्योंकि ओ माई गॉड के पार्ट 2 बनने वाली है। इस फिल्म के रोल के बारे में, धर्मपाल त्रिवेदी मेरे किरदार का नाम है, जो बंदे को अचानक पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, उसका बाप कोई और है, वो बाप को मिलने की, बाप के खोज की, जो खोज है उसकी, उसी की कहानी है। ऐसा कोई मोमेंट मेरी लाइफ में आया नहीं। अनु सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, आपका किरदार मुस्लिम कैरेक्टर है, उसके बारे में? जी मैं जब ये जरा संकट में पड़ जाते हैं, इनको ऐसा लगने लगता है कि इनको अपनी मुसीबत सॉल्व करने के लिए एक ऐसे साथी दोस्त की तलाश है जो इनको इस्लाम और के बारे में बता सके, तब ये दोस्त का सहारा लेते हैं, ये मेरा कैरेक्टर। परेशर मैसेज क्या दे रही है सोसाइटी को ये पिक्चर? हां मैसेज क्या दे रही है सोसाइटी? मैसेज यही दे रही है कि आखिरकार हम इंसान हैं, कोई हिंदू या मुसलमान, लेकिन पहले तो हम इंसान हैं, वही मैसेज दे रही है। सर आप बताएं आप किस हिसाब से क्या मैसेज दे रही है? जितना पढ़े देखिए, फिल्म मैंने देखी नहीं, फिल्म तो अभी 10 अप्रैल 2015 को रिलीज होगी, लेकिन जितना भी स्क्रिप्ट का जो निचोड़ समझ में आया, जो स्क्रिप्ट जिस तरफ इशारा करती है, वो मेरी समझ के साथ ऐसा लगा है कि धर्म ने, मजहब ने इस कैफियत के साथ स्टार्ट किया होगा कि वो लोगों को जोड़े, लेकिन धर्म अब जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहा है। तो कितना इंपैक्ट ये चीजें डालती हैं आम आदमी के ऊपर? बहुत इंपैक्ट है, धर्म तो हमेशा से आम आदमी का एक बेचारा सहारा रहा है बगैर जाने हुए, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि ये परमात्मा का या जो भी कॉन्सेप्ट है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर का, वो तो एक परसेप्शन है, उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं। फोन बंद कर लो, आप गर्लफ्रेंड का फोन है। अरे किसी और को कोई सवाल नहीं पूछना, एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं भाई। आप पूछो ना, पूछो बेटा। ये जानना चाहिए कि आस्था का विषय होता है हमेशा संजीदा भरा होता है, तो इसको हार्ट डालने के लिए इसके बारे में काफी स्टडी करना पड़ता है हर धर्म को लेकर के, कहीं ये विडंबना उस पार ना लेके जाए कि किसी को फेस पहुंचे। तो इस तरह से ये जब ये आपके सामने सब्जेक्ट आया, तो किस तरह से आपने सोच किया था कि भाई इसको, क्योंकि थिन लाइन होता है काफी, और उस थिन लाइन को मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से नेगोशिएट किया गया है स्क्रिप्ट में। कहीं पर किसी कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा इस फिल्म पर कि हमारे मजहब का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, दुरुस्त हैं, और हर एक मन ही मन में सहमत होगा इन बातों से।